फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो जो प्रोडक्ट्स मैंने दिए थे उसका रिव्यू। अभी आप देख सकते हैं मैंने मेरे फेस पर ये फाउंडेशन लगाया हुआ है जो एम्प्टी लुक का मैं लेकर आई हूँ, और ये पाउडर पफ मेरे हाथ में है जो लूज पाउडर का है। तो देख सकते हैं मेरे फेस पर जो एम्प्टी लुक का जो फाउंडेशन मैंने लिया था, ये फाउंडेशन तो ये क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है और मीडियम कवरेज देता है। ये क्रीम बेस है और इसका शेड है रोज़, और ये मीडियम कवरेज देता है। मेरी स्किन पर ये फाउंडेशन का टोन कैसे एडजस्ट हो गया, ये आई एम वेरी सरप्राइज। लेकिन ये देखिए मेरे फेस पर आप देख सकते हैं ये मीडियम कवरेज देता है, फुल कवरेज नहीं देता है। और ये जो मार्स का मैं जो मेकअप का जो लूज पाउडर मैं लेकर आई थी उसका मैं रिव्यू मतलब बता दूँ आपको, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मीडियम कवरेज ही देता है। ये देखिए मैंने मेरे चेहरे पर अभी ये दोनों लगाया हुआ है, तो बिल्कुल लो वेट है, मतलब वो कहते हैं ना कि हैवी मेकअप नहीं लगेगा आपका, मतलब नेचुरल जो आपको नज़र आता है, जो नो मेकअप मेकअप लुक होता है वो लुक आपको इससे अचीव होगा। तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये दोनों। और वो जो मैंने काजल में लेकर आई थी वो मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो बहुत ही स्मज होती है। ये देखिए मैंने लगाई हुई है और सुबह लगाई थी, फिर मैंने अभी अपना फेस वॉश किया था ये मेकअप लगाने से पहले, लेकिन अभी तक ये मेरे आँखों के नीचे ये ब्लैक जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े, जो इस फाउंडेशन से भी मैंने थोड़ा ही लगाया था, वैसे जो मैंने कंसीलर कुछ नहीं लगाया वो अभी गए नहीं है। तो जो काजल है मैट लुक की उसका रिव्यू सोसो है। आप वो 99 रुपीज़ है उसकी प्राइस, लेकिन मुझे 80 रुपीज़ में मिला था, तो वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है। प्लीज़ डोंट बाय दैट काजल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मज प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ भी नहीं है, ऊपर लिखा है फिर भी नहीं है, बहुत ही मेरे आंखों के नीचे ये देखिए काजल पूरी तरह से फैला हुआ है। अभी मैंने लगाया भी नहीं है, लेकिन अभी तक आपको लगेगा जैसे लगाया हुआ है, कि जो काले धब्बे हैं काजल के वो अभी भी मेरे फेस पर आपको दिख रहे हैं। तो अब मैं बात करना चाहूँगी ये मार्स की जो आईलाइनर है उसकी, ये बहुत ही अच्छी आईलाइनर है, आई लाइक इट। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। फैल गई शायद मुझसे, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आईलाइनर लगाई, यहाँ से थोड़ी फैल गई इस तरह से, क्योंकि मिरर यहाँ ऊपर है और मैं आपके साथ यहाँ इस तरह नीचे फ़ोन रख के बात कर रही हूँ, कैमरा रख के। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी आईलाइनर है, आई लाइक इट, इसका पैसा वसूल प्रोडक्ट है। तो ये देखिए ये श्रायन का 51 कलर का आई शेडो पैलेट है जो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आई हूँ। ग्लैम 21 में सेम ऐसा ही पैलेट आता है, वो मुझे कल ही पता चला जब मैं अमेज़ॉन पर ढूंढ रही थी इस कंपनी के नाम को, तब मुझे इसकी जो अंदर से जो पैकिंग है जो दिखता है जिस तरह का ये प्रोडक्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से ये जिस तरह की इसकी पैकेजिंग है, ऐसे ही ग्लैम 21 का 51 आई शेडो सेम उसकी ऐसी ही पैकेजिंग मुझे अमेज़ॉन पर देखने को मिली। तो मैं आपको इसके स्वेचेस दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स ये दिखने में काफ़ी कलरफुल है और मैं इसके स्वेचेस आपको दिखा दूँ, देखने में तो काफ़ी पिगमेंटेड लग रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे हैं ये कलर, देखिए ये बहुत ही अच्छे हैं।
थोड़े से शाइनी है लेकिन मतलब दे आपको मैट लुक देंगे, देखने में ये शाइनी लग रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छे कलर्स हैं इसके, बहुत पिगमेंटेड है। अगर आप आई शेडो पैलेट लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। 51 शेड के मैं सारे स्वेचेज इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके रिव्यू दे रही हूँ कि आपको प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं, इसलिए मैं सारे स्वेचेज नहीं दिखा रही हूँ। अब जो मैंने ये मास्क का 4-in-1 3D हाइलाइटर पैलेट लिया है जिसका शेड है 1, इसके भी मैंने रिव्यूज़ यूट्यूब पर देखे हैं, जिसके शेड 2 और 3 थे वो सब ने बताया कि वो प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका रिव्यू बता रही हूँ। ये पाउडर फॉर्म है, इस तरह से 4 शेड में आता है जिसमें हाइलाइटर, शिमर, ब्राइटन एंड चॉकलेट लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसके स्वेचेस दिखा देती हूँ। ये मैंने शिमर है वो लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। ये चॉकलेट है, यहाँ नोज़ पर मेरी उंगली पर ज़्यादा था इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छा है हाइलाइटर। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा है हाइलाइटर, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और हाइलाइटर जैसा वर्क करता है। कई बार हाइलाइटर लेने के बाद, पाउडर हाइलाइटर में खास ये होता है कि हाइलाइटर जैसा दिखता नहीं है। ये देखिए मेरे नोज पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ 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 यहाँ। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, अगर आप हाइलाइटर नया लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर ये मार्स का 4-in-1 शेड 1 है वो आप ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं ग्लैम 21 का जो ब्लशर पैलेट लेकर आई हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जिसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसके मैं स्वेचेस आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें 6 कलर्स हैं। दिख रहा है या नहीं आप लोगों को? वेट, ठीक है, मेरे बाद में लाइट करना। ये देखिए ये है 3, ये ब्लशर का जो पैलेट है उसका है। और ये बाकी के जो 2 थे, ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने थोड़ा सा ही लगाया है जो मेरी उंगली पर रह गया था वो, बाकी यहाँ आप इसके स्वेचेस देख लीजिए, ये है। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है अगर आप ब्लशर्स लेना चाहते हैं। जो ये कॉम्बो ऑफर है तो काफ़ी
अफोर्डेबल प्राइस में है। बाकी ये जो मैंने बोला था राउंड राउंड जो डिब्बी वाले जो आते हैं ब्लशर, वो 250 का एक उसका डिब्बी का प्राइस है। लेकिन ये पूरा 6 कलर आपको 240 में मिल जाएगा, मतलब 240 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा है, तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है। और जो ये मैंने दो लिपस्टिक ली थी, एक हाफ एंड हाफ की है जिसका कलर शेड है कॉकटेल और शेड है 43, और मार्स का जो लिया है मैंने क्रेयॉन लिप कलर जिसका शेड है 23। ये दोनों ही लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है, मैं आपको इसके स्वेचेस दिखा देती हूँ। कल मैंने अपने व्लॉग में ये लिपस्टिक लगाई भी थी। खोल ये देखिए, खोल काफ़ी अच्छी है, फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे उस प्रोडक्ट्स के रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।